लिपड टाइप स्टीराइड्सूड स्टीराइड्स आर थर्ड मेजर ग्रुप ऑफ लिपिड्स लिपिड्स की अगर हम बात करें लिपिड्स में जो मोस्ट कॉमन एनर्जी पर्पस के लिए या फ्यूलिंग के लिए यूज होते हैं दे आर ट्राइसाइल ग्लेसोरोस ट्राईसाइल ग्लेसोरोल के बाद इंपॉर्टेंट जो ग्रुप ऑफ लिपड है दैट इज द फॉर्स्टफो जो कि हम ब्रेन बनाते हैं और जो थर्ड इंपॉर्टेंट ग्रुप है वो हमारे पास स्टीराइड्स हैं फर्स्ट वेल डिस्कस द कंटेंट्स डिफाइनिंग द स्टीराइड्स मेलेक्र स्ट्रक्चर ऑफ स्टीराड्स एंड द फंक्शन ऑफ स्टीरय स्टीराइड स्टीराइड आर नेचरली अक्रिंग लिपिड्स विच कंटेन फोर फ्यूज रिंक्स एंड अगर आप फ्यूज लिपड इसकी बात करें स्टीराइड्स की तो उसकी जो खास बात है कि जिस तरह से फास्फो लिपर्ड्स के अंदर फैटी एसड्स मौजूद हैं वो उसकी खास पहचान हैं फास्फिट ग्रुप मौजूद है सिमिलरली स्टीराइड्स की जो खास पहचान है वो इसका स्टीराइड न्यूक्लियस है स्टीराइड न्यूक्लियस कहते हैं इसके फोर फ्यूज रिंग्स हैं जो कि एक दूसरे से जॉइंट फॉर्म में मौजूद हैं और वो एक रिजिड स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम स्टीरायड न्यूक्लियस कहते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टीराइड मालिक्यूल्स हमारे बॉडी के अंदर मौजूद हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास आ गएंगे वाइटामिन डी एल्डोस्टीरोस एस्ट्रोजन एंड द टेस्टोस्टीरोनस इसमें कुछ हार्मोन्स हैं जैसे एस्ट्रोजन और एल्डोस्टीरोस वगैरह जो हैं वो हारमोनस हैं जबकि वाइटामिन डी जो है इट इज आइटामिन मेलेकुलर स्ट्रक्चर ऑफ स्टीर स्टीरॉइड्स का अगर मेलेकुलर स्ट्रक्चर देखें तो फर्स्ट जो इसकी आइडेंटिटी है फोर फ्यूज रिंग अगर आप इसमें देखें तो आप जो थ्री रिंग्स हैं वो सिक्स कॉर्नर हैं जबकि जो फोर्थ रिंग है इट इज अ फाइव कॉर्नर रिंग है तो इसलिए तीनों सिक्स कॉर्नर रिंग और एक फाइव कॉर्नर रिंग मिलकर जो है एक फ्यूज स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं और इस फ्यूज स्ट्रक्चर को यानी चारों रिंग्स को हम कहते हैं स्टीराइड न्यूक्लियस जिसका साइज 17 कार्बन होता है अच्छा अब बिकॉज डे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टीराइड मालिक्यूल्स तो अब जो डिफरेंस आएगा वो बेसिकली है इसकी अल्काइल चेन के अंदर ये जो अल्काइल चेन जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये डिफरेंट मालिक्यूल्स के अंदर डिफरेंट होगी इसी तरह से फंक्शनल ग्रुप ये जो हाइड्रोक्सल है जिसको हम इसका हेड ग्रुप भी कहते हैं या पोलर हेड कहते हैं तो ये बेसिकली जो हमारे पास इसका हेड ग्रुप है आपके सामने कोलेस्ट्रोल और टेस्टोस्टीरोनस के दो स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं दोनों के अंदर आपके पास स्टीराइड न्यूक्लियस यानी कि जो रिंग्स हैं वो मौजूद हैं जबकि अल्काइल चेन की जगह टेस्टोस्टीरोन के अंदर सिर्फ हाइड्रोक्सेल मौजूद है और इससे जो पोलर हेड है उसकी पोजिशन के ऊपर सिर्फ ऑक्सीजन मौजूद है तो ये दो वेरिएबल्स जबकि जो स्टीराइड न्यूक्लियस है वो सब में कॉन्सटेंट रहता है वट आर द फंक्श्शनस ऑफ स्टीरॉयड्स स्टीरॉयड्स के हमारी बॉडी के अंदर क्या फंक्शंस हैं अभी मैंने शुरू में कहा था कि स्टीरोयड्स में कुछ वो जो है वो हारमोनस के तौर पर रोल प्ले करते हैं और हारमोनस का हमारी बॉडी में बहुत क्रिटिकल रोल है जैसे अगर हम देखें टेस्टोस्टीरोन्स हैं टेस्टोस्टीर मेल हारमोन जो कि मेल की डिवेल्पमेंट और सेकेंडरी सेक्स करेक्टर वगैरह के डिवेल्पमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस तरह से एस्ट्रोजेंस हैं एस्ट्रोजेंस का तलग जो फीमेल हारमोन है ये और इसका तल्लक भी फीमेल के सेकेंडरी सेक्स करेक्टर्स को डिवेल्प करवाना और इससे रेलिवेंट जो है वो बाकी जो प्रोटीन्स के सेंथिसिस या जो भी इसके जो सेकेंडरी सेक्स करेक्टर्स से मतलब जितने भी मालिक्यूल्स ने बनना होता है उनको ये चीज़ क्या करती है कंट्रोल करती है इसी तरह से हमारे पास वाइटामिन डी है वाइटामिन डी इज़ इम्पॉर्टेंट वाइटामिन लिपर सालोबल वाइटामिन है बहुत इंपॉर्टेंट है इसके जो मेन फंक्शन अगर हम इसमें देखें तो पहली बात यह है कि वाइटामिन डी जो है हमारे ये कैल्शियम आपटेक को कंट्रोल करता है कैल्शियम आपटेक बाय बोन्स बोन्स के अंदर कैल्शियम जो होती है अगर वाइटामिन डी की डेफिशिएंसी हो तो अक्सर हम डॉक्टर्स कहते हैं कि आपकी जो बोन्स हैं वो वीक हो गई होगी उसमें डी मिनरलाइजेशन यानी कि जो फास्फेट और जो है कैल्शियम है वो मौजूद नहीं है तो वाइटामिन डी अगर होगा तो मैक्सिमम बोन्स जो है वो क्या करेंगी जो कैल्शियम आपटेक करेंगी और बोन्स हमारी स्ट्रांग होंगे